उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकासखंड रिसिया के अंतर्गत ग्राम सभा रघुनाथपुर के ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की मिलीभगत से स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कीचड़ व मलबे में चलने वाले ग्रामीण मजबूर हैं। किसी भी प्रकार से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के तहत कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकारी धन को प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी नाली व सड़क के नाम पर पैसा निकाल कर अपना पेट भर रहे हैं। आम जनता बेहाल है, उच्च अधिकारी जानते हुए भी सब कुछ अनजान बने बैठे हैं। वहीं ग्राम रघुनाथपुर में हैंडपंप चौतरा 80,000 निकाला मगर कोई भी हैंडपंप निर्माण कार्य नहीं कराया गया। वहीं रघुनाथपुर में सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट का 30,000 रुपया निकाला मगर यहां ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। यहां के ग्रामीणों के लिए ग्राम रघुनाथपुर में गोपी के घर से सतगुरु प्रसाद के खेत तक खड़ंजा व नाली का निर्माण के लिए 3,75,000 रुपये निकाला गया मगर यहां कोई खड़ंजा व नाली नहीं दिखाई दे रही है। वहीं ग्राम रघुनाथपुर में जगत आर्य के घर से होते हुए दक्षिण नाला तक नाली कार्य का निर्माण के लिए 4,50,000 रुपये निकाला गया मगर यहां पर कोई भी नाली का कार्य नहीं हुआ। वहीं ग्राम रघुनाथपुर में शमशान घाट निर्माण के लिए 1,50,000 रुपये निकाला गया मगर इस गांव में ऐसी कोई भी शमशान घाट नहीं दिखाई दे रही है। जब मीडिया ने यहां के ग्रामीणों से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि रोड के किनारे नाली न होने से रोड सरोवर में तब्दील हो रही है। हम लोगों को आने जाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोगों ने 3 साल से यहां के ग्राम प्रधान नंद किशोर जायसवाल से कहते आ रहे हैं मगर उन्होंने कोई भी सुविधा अभी तक हमारे गांव में नहीं दिया है। अखंड भारत न्यूज के लिए अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट, बहराइच। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में गुरुवार को फकरपुर ब्लॉक के बौणी कस्बा स्थित श्री जगत जगेश्वर संस्कर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में त्रैमासिक पौरोहित्य प्रशिक्षण शिविर का मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम करण टिकड़ीवाल व विशिष्ट अतिथि श्रीनाथ शुक्ला ने मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारम्भ किया। कार्यक्रम के देवी पाटन मंडल संयोजक डॉक्टर देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शिविर में मौजूद शिक्षकों अभिभावकों व छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा संस्कृत भाषा व भारतीय संस्कृत के संरक्षण व संवर्धन हेतु मौनी के श्री जगत जगेश्वर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में त्रैमासिक पौरोहित्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में क्षेत्र के किसी भी इच्छुक छात्र छात्राओं व महिलाओं पुरुषों को कर्मकांड सभा भाषण व भारतीय संस्कार को प्रशिक्षित किया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि संस्कृत अति प्राचीन व देव भाषा है। आधुनिकता के चकाचौंध में इस भाषा का लगातार ह्रास होता जा रहा है, इसलिए भाजपा सरकार द्वारा चलाया गया यह अभियान निश्चित रूप से संस्कृत व संस्कृत को बढ़ावा देगी। अब इस जिम्मेदारी को कर्तव्य परायणता के साथ निभाने की जरूरत शिक्षकों की है। भाजपा नेता श्रीनाथ शुक्ला ने कहा कि संस्कृत को देववाणी कही गई है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे सभी 16 संस्कार संस्कृत भाषा में ही हैं। सभी ग्रंथ उपनिषद और पुराण संस्कृत में हैं। हमें अपनी संस्कृत विरासत को बचाए रखने के लिए संस्कृत का ज्ञान लेना होगा। विद्यालय प्रबंधक व वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कालिया ने कहा कि बौणी के इस संस्कृत विद्यालय को प्रदेश सरकार ने जो तोहफा दिया है उसके लिए पूरा क्षेत्र आभारी है। वसंत उत्सव के पावन पर्व पर इसका शुरुआत हो रहा है और निश्चित रूप से सरकार के इस पहल से लोग संस्कृत के प्रति जागरूक होंगे। इस दौरान संस्थान के जिला संयोजक जयशंकर त्रिपाठी, केंद्र व्यवस्थापक डॉक्टर सुनील त्रिपाठी, पौरोहित्य प्रशिक्षक अम्बरीश कुमार द्विवेदी, होम्योपैथी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, राम सागर पांडे, सुरेश कुमार तिवारी, रोहित कालिया, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, वरिष्ठ शिक्षक राम शंकर जायसवाल, उमेश श्रीवास्तव, साकेत भूषण तिवारी, पुंडरीक पांडे, बाबादीन त्रिवेदी, अटल बिहारी त्रिवेदी आदि लोग मौजूद रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए धीरेन्द्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, बहराइच।